नहीं ना नाराजगी का कहाँ पर, नहीं नहीं नाराजगी की बात कहीं से न थी न अब है। इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे। भाई हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, इसके आप घबराते क्यों हैं? जब तक लोग हारेगा नहीं चुनाव में तब तक वो सीखने का मौका नहीं मिलता और सीख के आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हार जीत लगा रहता है उसकी आप चिंता न करें। राहुल गांधी जी अगर वो चाहेंगे आने के लिए तो वहाँ बात करनी होगी, वो लोग निर्णय लेंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उनके साथ जो धोखा किया, जो उनके पीठ में खंजर घोंपा, भाजपा वाला उपेंद्र कुशवाहा का सच्चा साथी नहीं है, कभी नहीं रहा। अब भी तो भाजपा वालों से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, ये इनकी पहचान नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज है? एक अहम सवाल, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। अपने तमाम नेताओं को पटना बुलाए थे, उनके साथ समीक्षा बैठक भी की कि आखिर चूक कहाँ हो, तमाम पार्टी के लोगों से फीडबैक लिया उन्होंने। और देखिए, फीडबैक लेने के बाद जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज़ है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा का, हालांकि ये बयान एक दिन पुराना है, हम फिर से आपको पहले वो बयान सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो बिहार में महागठबंधन के नेता हैं, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को पीठ में खंजर भोंका गया। सबसे पहले हम आपको उपेंद्र कुशवाहा को सुनाना चाहते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज हैं या नहीं है, पर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करें, पहले आप वो सुनो। नहीं ना नाराजगी का कहाँ पर, नहीं नहीं नाराजगी की बात कहीं से न थी न अब है, इसलिए नाराजगी का कहाँ सवाल है, क्यों नाराजगी होगी? जो कुछ भी परिणाम हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, समीक्षा के उपरांत जैसा कि हम बता रहे हैं आपको बार बार कि इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे। जहां चर्चा करने की ज़रूरत है, एनडीए का आंतरिक मामला है, तो वहां हम चर्चा करेंगे ताकि आगे की रणनीति बेहतर हम बना सकें। तो अभी आप उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने तमाम बातों को रखा है। देखिए, कह रहे हैं कि नाराज़गी की कोई बात ही नहीं, नाराज़ क्यों हों, पर एनडीए के जब बैठक तब वहाँ पे तमाम बातों को रखा जाएगा। पर अब इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में स्वीकार करने के लिए तैयार, इंडिया गठबंधन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। हमने बात किया है कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा से और माले के विधायक अजीत कुशवाहा से। देखिए, दोनों नेताओं का बयान हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से जो दोनों नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, उनका कहना है कि हम एक मामूली विधायक हैं पर पार्टी के लोग चाहेंगे तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर माले के विधायक अजीत कुशवाहा का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के पीठ में खंजर भोंका गया है, उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझ करके हराया गया है। क्या कुछ करें अजीत शर्मा और क्या कुछ करें अजीत कुशवाहा, ठीक देखिए आप इस वीडियो। भाई हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, इसके आप घबराते क्यों हैं? जो जनता का काम करेगा वो जनता का काम करते रहेगा, चाहे हारे, और लोग हारते भी हैं तो सीखते बहुत कुछ है। आप नेल्सन मंडेला का देख लीजिए, हारने के बाद भी लोग वो कहते थे कि हम बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए जब तक लोग हारेगा नहीं चुनाव में तब तक वो सीखने का मौका नहीं मिलता और सीख के आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हार जीत लगा रहता है उसकी आप चिंता न करें। भाई ये तो हमारे आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी अगर वो चाहेंगे आने के लिए तो वहाँ बात करनी होगी, वो लोग निर्णय लेंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग भी देश से आना चाहें और आके देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवकों के रोजगार देने के लिए, महंगाई रोकने के लिए आएंगे, निश्चित तौर उनका स्वागत है। तो किससे उगाही करेंगे? तेजस्वी जी को कौन ठेकेदार पैसा देगा? मंत्री हैं ये, बिना मतलब का बोलता रहता है जी भाजपा वाला। उगाही तो ये लोग ना कर रहा है, उगाही में पुल गिर गया। कैसे पुल गिरा? इसी कारण सरकार में पुल बनना शुरू हुआ था। तो उगाही तो ये लोग कर रहा है, इसका साफ दिखाई दे रहा है। और उल्टा तेजस्वी जी आभार यात्रा निकाल रहे हैं, जनता ने 9 सीट जिता करके दिया है, वो जनता को आभार व्यक्त करेंगे कि आप हमारे साथ रहे और वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कुछ जगहों पे चुनाव बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे, तो इसके लिए आभार व्यक्त करने जा रहे हैं, जनता से सीधे जुड़ने जा रहे हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं।
ये बिना मतलब का ये करना वो करना, ये तो गलत बात है। अब ये पता नहीं, ये तो राष्ट्रीय जनता दल की उच्च स्तरीय कमेटी तय करेगी, इस पर हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। विधानसभा में हम पूरे तौर से तैयार हैं और 25 में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप समझ लीजिए कि अब नीतीश जी को बिहार की जनता भी स्वीकार करने वाली नहीं है। नीतीश जी को बहुत मौका दिया गया, उनको जो करना था किया, लेकिन आगे अब नीतीश जी को और बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार है, इसी लोकसभा में तो दिखाया गया कि बीजेपी और नीतीश जी की कितनी सीटें घट गई। इसलिए बिहार विधानसभा में तो पूरा माहौल ही अलग होगा और 25 में पूरी बिहार की जनता को पता है कि जो जनता का काम करने वाले लोग हैं। हमने 17 महीने की सरकार में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें हमने लोगों को नौकरियां दी, जिसमें हमने लोगों के लिए बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का को स्थापित हमने करने की कोशिश किया, हमने पेंशन चालू करने की बात हमने की, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने का बात, गरीबों का घर बनाने का बात हमने किया, तो ऐसा हमने रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया जिसको आज बीजेपी की सरकार आते ही हाईकोर्ट से इसको रद्द कर दिया गया। तो जनता को पता है कि हम लोग जब आएंगे तो क्या करेंगे, इसलिए जनता तो एकदम बेचैन है कि कब आप लोग सरकार में आ रहे हैं, लेकिन अब तो चुनाव होगा तभी आएंगे। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, कहीं ना कहीं एनडीए से नाखुश चल रहे हैं। उनके साथ जो धोखा किया, जो उनके पीठ में खंजर घोंपा, हम तो कब बहुत दिन से कहते आ रहे हैं कि भाजपा वाला उपेंद्र कुशवाहा का सच्चा साथी नहीं है, कभी नहीं रहा। जगदेव बाबू का हत्यारा ही लोग रहा है, ये लोग कभी पिछड़ों को आगे बढ़ने देगा? जब पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला मंडल आयोग में तब सरकार गिरा दिया ये लोग। आज जब 65% आरक्षण दिया गया पिछड़ों को तो हाईकोर्ट में अटर्नी जनरल इसका खड़ा नहीं हुआ जज के सामने बोलने के लिए कि जो है ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो ये कब पिछड़े के नेताओं के पीठ में हमेशा ये खंजर घोपा करते हैं, ये पता नहीं हमारे नेता लोगों को कैसे समझ में नहीं आता है। ये तो पीठ में छुरा घोपने का काम भाजपा वालों ने उपेंद्र जी को किया ही है। बिल्कुल, कौन हराएगा? पवन सिंह बीजेपी का सदस्य नहीं था जी, तो कौन हराएगा इनको? अभी भी तो इनको विचार करना चाहिए, अभी तो भाजपा वालों से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, ये इनकी पहचान नहीं है। आप लोगों के साथ आएंगे तो आप लोग अपनी पार्टी में अपने, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, क्यों नहीं करेंगे? सबका स्वागत। भाजपा को हराने के लिए जो भाजपा इस देश में नौजवानों का नौकरी खाने वाला, अग्निवीर के नाम पर खड़ा करने वाला, देश में राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाकर वोट लेने वाले लोगों को जब तक इस देश से नहीं हटाया जाएगा तब तक इस मुल्क का विकास संभव नहीं है। तो अभी आप अजीत शर्मा और अजीत कुशवाहा का बयान सुना है कि किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, पर इसके पहले आप उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सुन रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि जब एनडीए की बैठक होगी तो तमाम बातों को रखा ही जाएगा, पर क्या उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया गया? देखिए, माले के नेता हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके पीठ में खंजर भोंका गया है। किस तरीके से पवन सिंह खड़े हो गए, और कहीं ना कहीं पवन सिंह हैं जो बीजेपी के नेता थे, हालांकि पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय के तौर पे अपना नामांकन दाखिल किए थे। पर आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा को लेने के लिए कहीं ना कहीं एनडीए के लोग तैयार हैं, पर शर्त क्या होगी, ये एक अहम सवाल। देखिए, अब कुशवाहा को लेकर बिहार में खूब पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, कुशवाहा को लेकर अब जो बिहार के राजनीतिक दल के लोग हैं वो लुभाने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो आरजेडी के संसदीय दल के नेता हैं वो अभय कुशवाहा को चुना गया है, और देखिए किस तरीके से जो कुशवाहा लोग हैं उनको लुभाने में लगे हुए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव चैट, लाइव चैट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।